अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश। अच्छा, तो कुछ लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि जो है बच्चे जो मस्कवी के जो है हैच होते हैं, तो उनको जो है फर्स्ट फीड क्या देनी चाहिए, और मतलब क्या सिस्टम होना चाहिए, और क्या क्या आप देख सकते हैं या क्या वो खाते हैं छोटे बच्चे। तो आज वीडियो जो है वो उन भाइयों के लिए है, और एक जो स्पेशल जो है एक भाई ने मुझे मतलब कमेंट करके पूछा था। उनका आईडी का नाम है रिबोट एंड और डॉग्स। तो उन्होंने जो है क्वेश्चन किया था कि जो है बच्चों को क्या डाल सकते हैं। एक बच्चे को देखें, ये मैंने आज खोला है, ये सब भाग रहा है। तो उस भाई ने क्वेश्चन किया था कि जो है छोटे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या क्या दे सकते हैं, और मतलब क्या होता है। फर्स्ट टाइम में ये होता है कि बच्चे खाते नहीं हैं जल्दी, नए से हैच हुए हुए होते हैं तो कोई चीज़ नहीं खाते, और मतलब वो चीज़। तो ये चलें आगे चल के बात करते हैं। मैं इनको जो है फीड डालता हूँ, इनको बहुत भूख लगी हुई है, इनको सबसे लास्ट पे डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना के आप सबको दिखाना था, तो जो है इस वजह से। तो इनको जो है मैं दाना डालता हूँ, अभी साथ साथ बात करते हैं कि क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक हो गया, तो ये मैं इनको खोलता हूँ। तो ये रहे बच्चे, वो ये देखें, ये अब निकली है तो ज़रा फ्रेश होगी। तो ये बच्चे भी देखें, वैसे मैं इनको यहाँ डालता होता हूँ, लेकिन ये जो है ये वो चोकर है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि बच्चों को जो है आप चोकर डाल सकते हैं। तो ये देखें चोकर जो है ये कितने शौक से खाते हैं, और मतलब जो है ये सब कुछ। तो मम्मा जो है ज़रा अभी भागने में लगी हुई है, ख़ुद को फ्रेश कर रही है, भाग के अपना मतलब अंगड़ाइयाँ शंगड़ाइयाँ ले रही है। बंद थी, कैद हुई भी तो उसमें वो चीज़ नहीं कर सकती, तो इस वजह से ये है। और उसके बाद जो है, अच्छा ये देखिए बच्चों को जो है मैंने बाजरा डाला है। बच्चे जो है बाजरा मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। सॉरी, मेरी तवज्जो ज़रा उस डक की तरफ चली गई थी और मैं जो है क्या बोलता जा रहा हूँ। तो ये देखें, तो ये देखें जो है बच्चे किस तरह चोकर शौक से खा रहे हैं। आप देखिए चोकर जो है मैंने कितना वो किया हुआ, इस तरह के थोड़ा थोड़ा ये अब चिपक रहा है ना, ज़्यादा जो है वो गीला है पानी की तरह ना वो है। तो ये देखिए शौक से खाते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो पहले जो 72 घंटे होते हैं उसमें वो कुछ नहीं खाते। मतलब उनके अंदर ही जो मतलब एग के अंदर जो सर्दी वगैरह होती है वो इनकी खुराक बनती रहती है, और मतलब उनके अंदर होती है 72 घंटे तक। उसके बाद जो है वो खाना स्टार्ट करते हैं, और वो जो 72 घंटे होते हैं उसमें पहले तो डक बच्चे निकालती है जब, तो फिर वो बैठी रहती है जब तक पूरे बच्चे हैच हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से उठती है और मतलब चल पड़ती है, और बच्चे भी साथ चल पड़ते हैं। जब वो चल पड़े तो उसे फिर अलग केज में कहीं पे शिफ्ट कर दें आप। उसके बाद जो है उनको पानी वगैरह दें, और इस तरह। और फर्स्ट पानी आप क्या देंगे, वो आपने पानी ये देना है बच्चों को कि उस पानी में आपने जो है उनको शक्कर डाल के देनी है, शक्कर गुड़ जो होता है वो, तो वो डाल के दें या फिर चीनी डाल के दें, ताकि जो है आपने मीठा पानी देना उनको, तो वो जो है वो खा के तो उसमें क्या बोलते हैं उनके अंदर जो मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है या कुछ, तो मतलब वो फालतू चीज़ें उनके अंदर से निकल जाएं और वो साफ़ सुथरे फ्रेश हो जाएं, मतलब उनकी फ्लशिंग करने के लिए ना, तो फ्लश हो जाएं वो। तो फिर उसके बाद जो है मतलब आप उनको जो है फीड वगैरह ये जो कुछ देंगे, मतलब इस तरह। तो मैं तो इनको चोकर डालता हूँ क्योंकि ये नरम होता है, देखिए बुरा बुरा सा, तो ये जो है खाने में ये देखें कर रहे हैं तो जो है वो खाने में मतलब जो है उनके लिए आसान होता है। अब ये खाने से ज़्यादा जो है भागने में लगे रहेंगे, तो जो है वो देख के भाग के उधर। तो जो है उन सबसे, तो आपने उनको जो है चोकर में मतलब देता हूँ, वो जो है चोकर ये देखे आपने कितना शौक से खाते हैं, वो जो है खा सकते हैं। अब ऐसे इन्होंने यहाँ पे जो है नाली पे आना है, और यहाँ पे जो है बस पानी में चोंचे मारते रहना, ये चीज़ें करनी। तो चोकर जो है आप देंगे वो शौक से खाते हैं। उसके बाद जो है आप इनको बाजरा दे सकते हैं, पहले तो आपने चोकर ही देना है 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, जो फिर ये आस्ते आस्ते खाना स्टार्ट करते जाते हैं और खाने लग जाते हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है कि नहीं भी खाते क्योंकि फर्स्ट डे होता है, फिर अगले दिन से मतलब कुछ घंटों बाद खाना स्टार्ट करते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, फिर खाना सही खाने लग जाते हैं। और उसके बाद जो है ज़्यादातर ये माँ के को नीचे उसके बैठते हैं, मतलब उस वक्त इतना ज़्यादा फिर टुर नहीं रहे होते, तो मतलब ये चीज़। और फिर उसके तो उसके बाद जो है फिर जब खाना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप इनको बाजरा डाल सकते हैं, बाजरा भी ये खाएंगे। उसके बाद जो है बाजरे के बाद जो है आप जो है वो उस इनको जो है बाजरे के अलावा जो है रोटी जो होती है, रोटी के छोटे छोटे भोरे करके वो आप जो है
इनको पानी में डाल के दें तो ये शौक से खाएंगे। वैसे भी आप इनको डालेंगे तो ये खा जाएंगे, लेकिन पानी के अलावा जो है आप इनको वैसे देंगे तो भी खा जाएंगे, लेकिन पानी में डाल के देंगे तो ज़्यादा बेहतर खाएंगे। तो ये एक चीज़ है। तो कुछ लोग जो है पूछ रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या क्या देना चाहिए, तो आप इनको जो है रोटी की भुआ छोटी छोटी बना के दे सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम में नहीं खाएंगे, फर्स्ट टाइम में आपको चोकर ही देना होगा क्योंकि वो नरम नरम छोड़ थोड़ा होता है तो वो आसानी से खा लेते हैं। लेकिन जो है बाद में फिर आप बाजरा और रोटी के उस तरह के पूरे बना के, मतलब लुक में बना के छोटे छोटे से देख लें आप ये कितने छोटे हैं, तो फिर उतने ही देने हैं। तो फिर ऐसा ऐसा खाते जाएंगे और मतलब वो होता जाएगा। उसके बाद जो है मतलब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, फिर उसके बाद आप इनको जो है सब्ज़ा वगैरह भी दे सकते हैं, मतलब पालक ये वो मेथी तो वो चीज़ें भी, तो ये सब चीज़ें दे सकते हैं और ये फिर सही से शौक से खाएंगे और वो चीज़। तो अभी ये खाने के बजाय भागने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो चीज़ कर रहे हैं, तो इनको वापस उधर लेकर जा रहे हैं क्योंकि मम्मा इनकी इधर भाग गई और मम्मा के पीछे पीछे जो है ये आ गए। चलो 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 ये देख, ये बिल्कुल गेंदे सी हैं और ऐसे हवा बन के भागते हैं ना कि जो है क्या मैं आपको बताऊं। ये देखें हवा बन के भागे हैं। तो ये चीज़ है, आप ये कर सकते हैं और ये मतलब जो है शौक से खाएंगे। और ये जो है देख देखें अब दोबारा जो है ये इधर आते हैं, तो एक तो पानी इनको बहुत पसंद होता है, जब भी मैं इनका पानी बदला रहा होता हूँ या किसी बर्तन से मैं ऊपर से इस तरह पानी डालता हूँ तो ये उसको चोंचे मारते रहते हैं। तो मम्मा को भी बाजरा पसंद है, वो शौक से खाती है। और ये देखें तो ये चीज़ है, ये देख लें आप ऐसे कर सकते हैं और ये बच्चे जो है सही से वो खाएंगे और जो है बढ़ते जाएंगे। और वैसे जो है फिर उसके बाद जब ये बड़े होते जाते हैं तो फिर तो इन्हें कोई वो नहीं है, मतलब कुछ भी डालो तो ये खाते हैं कुछ भी। वैसे रोटी जो है ज़्यादा शौक से खाते हैं फिर उसके बाद बाद, लेकिन छोटे होते वक्त जो है ज़रा रोटी के भोरे उतने छोटे नहीं बन सकते, होते भी हैं लेकिन उस तरह नहीं खा सकते। तो ये एक नरम सी गज़ा है चोकर, तो ये मेरे ख्याल में बेस्ट है इनके लिए। तो ये जो है मैं इनको डालता हूँ, ये मत देखें अब कितने मज़े से खा रहे हैं। बाजरा भी खाते हैं लेकिन बाजरा उतने शौक से नहीं खाते जितने शौक से ये चोकर खाएंगे, या फिर उसके बाद रोटी के आप इनके छोटे लोग में बना के देंगे तो वो खाएंगे। ये खाने से ज़्यादा जो है ये घूमने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मम्मा को इधर पसंद है इस बर्तन में, तो मैं थोड़ा दूर बैठ जाऊँ क्योंकि मम्मा डरती है, तो इस वजह से वो नहीं आती खाने पे। तो ये देख लें ये बच्चे हैं और ये इनका शुगल है, तो ये माशाल्लाह से 14 बच्चे हैं, दो बीच में ब्लैक निकले हैं ताकि नज़र ना लगे और बाकी 12 बच्चे जो हैं वो वाइट हैं। ये गुस्सा कर रही है, सर गुस्सा करती है, ये पाँव मार मार के ज़मीन पे। वैसे ये खाने में लगे रहते हैं लेकिन आज इनको खोला है मैंने वीडियो बनाने के लिए तो वो किया है, तो ये जो है बस और चक्करों में लगे। मैं रोज़ इनको मैं खोलता हूँ लेकिन जो है इस तरह मतलब जो है नहीं वो होता। ओ,
एक उल्टा हो गया है। सही हो गया। तो बस ये आपको दिखाना था मैंने। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक और चीज़ के जो है आप मतलब कोई सवाल पूछना हो इससे रिलेटेड और कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा वहाँ पर। तो ये चीज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन भाई ने सवाल पूछा था उन्हें जो है अपना जवाब मिल गया है। तो जो है बस ये चीज़ है। तो ये देख लें। तो ओके जी, मेरे ख़्याल में सब कंप्लीट हो चुका है और इनका जुगल देख लें आप जाते जाते। तो मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।